आप टेक्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कैसा भी जीपीएस है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके उसको चालू करा सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल भी कर सकते हैं। कैसा भी जीपीएस हो आप उसको ऑनलाइन मैप के ऊपर चलता हुआ देख सकते हैं। फिर ये स्विफ्ट की देख लीजिए, आज हम रिले लगाने वाले हैं। तो इसमें क्या है, पहले से लाइट काफ़ी कम थी, इसमें क्या है आपके 60-65 बल्ब लगे हुए हैं, मतलब के लो बीम 60, हाई बीम 65। ऐसे ही अब हम इसमें 90 और 100 लगाने वाले हैं, लो बीम 90, हाई बीम 120। तो फिर आप देख लीजिए, ये रिले है आपकी, ये कंप्लीट रिले, जो बड़ा एंड है ना, सबसे लंबी एक आर्म होगी इसकी, वो ऑलवेज ड्राइविंग सीट साइड लाइट में आएगी और ये आपका कंडक्टर साइड आएगी। और सारे रिले का कंसेप्ट सेम होता है, और ये आपका डायरेक्ट में लग जाएगा एक। चलिए हम आपको इंस्टॉलेशन करके दिखाते हैं, वायर को थोड़ा सा हम घुमा फिरा के लाएंगे ताकि ये बाद में हमारे किसी और काम में उलझे ना। पुरानी वाली लाइट की वो देखें, लाइट ये पुरानी लाइट है, देख लीजिए, हाई बीम लो बीम, ये देखिए हाई बीम लो बीम, हाई बीम लो बीम, ये है। अब ये कितनी इंक्रीज जाएगी आप रिले लगाने के बाद देखना। इसमें थोड़ा काम करने में दिक्कत हो रही थी तो हमने इसका ये चीज़ खोल लेंगे ताकि हमें काम करने में दिक्कत ना हो, इजीली एक्सेसिबल हो जाए हमारा सब कुछ। इस साइड से भी हम ये ब्लैक सा है, इसको ओपन कर लेंगे। अगर ये नहीं होता है तो फिर हेडलाइट निकालने करना पड़ता है, क्योंकि हाथ चलने की जगह नहीं होती है हर गाड़ी में। और ये रिले आपको ईजिली मार्केट में लगभग कितने की है, 300 रुपये स्टार्ट हो जाती है ना, 250-300 रुपये की आ जाती है। और बल्ब कितने का है, और एक बल्ब 200 का आता है, तो दोनों आप चेंज कर सकते हैं इजीली। मुश्किल से आप खुद करेंगे तो फिर 300 और 200, 500 रुपये मैक्सिमम, 500 रुपये खर्चा है, और मैकेनिक 300-400 रुपये ले लेता है इसी काम के, 10 मिनट काम के। और आप इसके लिए गाड़ी में ऑलवेज टूल ये होना चाहिए, तो मतलब सारे टूल जो है ना गाड़ी में होने चाहिए, जो ये छोटे मोटे काम करने वाले, इन्हीं से आप रिले भी लगा सकते हैं। इन फ्यूचर कभी आपको गाड़ी में कुछ और प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप कुछ अपने आप कुछ तो देख सकते हैं उसके अंदर। ये इस तरीके से आप 10 नंबर की गोटी से भी इसको खोल सकते हैं और आप पेचकस से भी खोल सकते हैं, तो दोनों चीज़ें खोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और हमने यहाँ पर आपका ये निकलता है, इसमें पहले इसको निकाल लीजिए, और अब ये बल्ब आपका चेंज कर दिया है, इसके अंदर होता है बल्ब। वो बोनट का सेंसर लगा है उसके अंदर, उसकी तो उसकी की वायर है उसमें, क्या क्रोम लीचिंग पाउडर क्रोम पे क्या। ये इस साइड हम लोग लगा चुके हैं, ये बल्ब निकल गया पुराना हमारा, उस साइड हमारा ये था, जो बल्ब में से ये चीज निकली है वो हमारी वेस्ट है, वो हमने वहाँ पे छोड़ दी खाली, और नया बल्ब लगा के उसमें इसको हमने इस तरीके से पीछे से लगा दिया, रिले का कनेक्शन उसको दे दिया हमने। और सेम चीज़ अब इस साइड करेंगे, इसमें से हम ये लगा हुआ है इसका, ये लाइट में से निकला है, इसमें से सेंसर है और करंट है, दोनों चीज़ें। तो हम इसमें के अंदर रिले का ये ब्लैक वाला लगा देंगे, पंकज ये ब्लैक वाला इसमें लगा दिए, ये हम ब्लैक वाला रिले का इसमें लगा देंगे। अब ये डायरेक्ट लाइट सिग्नल जो है और करंट इसमें ना जाकर पहले रिले में जाएगा ये, ठीक है, इसको अब हम इसमें लगा देंगे। सेम चीज़ हमें उस साइड करनी है, उस साइड क्या है, ये निकलेगा इसका, लेकिन इसमें कुछ नहीं लगेगा, ये हम उसको वहाँ पे खाली छोड़ देंगे, टेप मार देंगे। और इसका बॉडी अर्थ है और एक डायरेक्ट करंट होगा, ये डायरेक्ट करंट है, ये डायरेक्ट इस साइड बैटरी पर भी लगा सकते हैं, ये सॉरी बैटरी पर ही लगेगा। और इसका एक बॉडी अर्थ होगा, बॉडी अर्थ का है इसका, ये रहा बॉडी अर्थ, ये हम यहाँ पर इस नट में या कहीं भी और देखते हैं कहाँ पे लगाएंगे, इसको लगा देंगे और इसको टाई बेल्ट से टाई कर देंगे। और इन फ्यूचर कभी आपको ये लाइट नहीं जलती है तो इस फ्यूज को चेक करना है, मोस्टली फ्यूज ही उड़ जाता है इसका कभी कभी।
और इसके बाद हम इसको ये चीज़ जो ये खोला था हमने ये लगा देंगे यहाँ पर और हमारा काम ख़त्म। आगे से मत पकड़, आगे से नहीं पकड़। ये आपका बल्ब है और इसको हम यहाँ से टच नहीं करेंगे ताकि इस पर पैच ना पड़े कोई हमारी उंगलियों का। इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको बड़े वाले डब्बे में डाल दें, इसमें लगा देंगे। पुराना बल्ब निकाल लिया ना, पुराना बल्ब निकाल लिया और उसको हल्का सा घुमा के निकालना है और घुमा के ही लगेगा ये, वो आप देख के समझ जाएंगे खुद ही। और इसमें एक लॉक भी होता है और ये हमने इसका लॉक लगा दिया और इसके बाद इसका ये ढक्कन लगा देंगे। इसके अंदर से निकालना था पहले? नहीं नहीं नहीं, सबकी नस्ल जानता है। हाँ, अब पहले इसको हम ढक्कन लगा दिया इसका हमने ताकि इसके अंदर मिट्टी ना जाए। अब इसको इसमें लगा देंगे। ये लग गया, अब रह गया बॉडी अर्थ। ये बॉडी अर्थ हम इसी के साथ में ही लगा देंगे। ये देख लीजिए दोस्तों, ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। बॉडी अर्थ वहाँ पे लग रहा है, नहीं बॉडी अर्थ हम इसके नीचे लगा चुके हैं। ये हमारा बॉडी अर्थ और ये डायरेक्ट वायर थी, ये रेड है प्लस है, यहाँ पे हम लगा चुके हैं। ये देख लीजिए नीचे से घुमा के लेके आए हैं। अब हमारा लाइट जली एक बार लोबी माई भी, ये देख लीजिए लाइटिंग में कितना डिफरेंस आ चुका है, डबल का डिफरेंस आ चुका है ये। और ये हमारे जो अभी लगाया है वो है आपका फिलिप्स का 100 वॉट। ये अभी जो लगा है वो है 90 और 100, इसमें 100 120 भी लगा सकते हैं। और जो पुराना बल्ब है मैं आपको दिखा देता हूँ, और बल्ब कोशिश कीजिए फिलिप्स का ही लें। पुराना जो बल्ब है आपका वो भी फिलिप्स का ही है और वो है ये कितने वॉट है, ये है 60-55। ये देख लीजिए ये है 60-55। तो ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 मिनट का काम है ये मुश्किल से, और आप इजीली कर सकते हैं। इससे आपको एक तो खुद लगाएंगे तो आपको नॉलेज भी बढ़ेगी आपकी गाड़ी के बारे में। थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको ये जो रिले वगैरह ये हम लोग नहीं बेचते हैं, आप इसको लोकली परचेज कर सकते हैं, बल्ब को लोकली परचेज कर सकते हैं। और हमारा मेन काम है GPS का, तो आपको गाड़ी की सिक्योरिटी से लेकर कुछ भी, या फिर आपका आप ये जानना चाहते हैं गाड़ी किस स्पीड में चल रही है, कहाँ चल रही है, कब से चल रही है, कब से खड़ी है, तो आप हमारे हमसे GPS परचेज कर सकते हैं, हम GPS बेचते हैं। आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं या ऊपर दिए नंबरों पर डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, उससे आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। और ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।